देख के हम लोग रील बनाते हैं। ये देखो आप लोग को दिख रहा है कि नहीं पता नहीं अच्छे से, पर देख लो। हेलो गाइस, सो गाइस आज मैं सज धज के व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मम्मी का। तो आज के व्लॉग में मैं दिखाऊंगी, आप लोगों को पता ही है हमने एक नया चीज शुरू किया है मैंने और शिवा ने। तो हम लोगों ने रील बनाना स्टार्ट किया है, फनी फनी हस्बैंड वाइफ रील। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों को दिखाती हूँ कि रील का बिहाइंड द सीन्स, क्योंकि हम अभी बिगिनर्स हैं और जस्ट स्टार्ट किया है हम लोगों ने ये सब करना, और हम लोग कैसे कैसे रील शूट करते हैं वो सब मैं दिखाने वाली हूँ, और सेटअप भी दिखाने वाली हूँ कि हम लोग ऑलरेडी, मेरे पास मकबैंग का सेटअप तो है ही, तो सेटअप अलग से मुझे खरीदना नहीं पड़ा। बाकी मैं व्लॉग और मकबैंग ऐसे शूट करती हूँ, अभी मुझे वर्टिकली शूट करना पड़ रहा है और थोड़ा सज धज लेती हूँ रील के लिए, क्योंकि रील में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है आप लोग का। इंस्टाग्राम में तो ओ माई गॉड, 5 मिलियन, 3 मिलियन, एक तो 12 मिलियन चला गया है, मतलब अनबिलीवेबल होता है हमारे लिए, इतना अच्छा रिस्पॉन्स हम दोनों को मिलता है। तो ये तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है ये देख के ही। तो ये जो रिस्पॉन्स है ना, ये हमें बहुत ज्यादा इनकरेज कर रहा है और रील बनाने के लिए, और आप लोग के कमेंट्स भी हमें बहुत ज्यादा इनकरेज करते हैं और ज्यादा रील्स बनाने के लिए। तो अभी मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ कि हम लोग कैसे कैसे रील शूट करते हैं, और सेटअप दिखाती हूँ, और हम लोग मतलब एक आउटफिट में ना 2-3 रील शूट कर लेते हैं और बहुत सारे टेक लेते हैं। ऐसे ही रील शूट नहीं हो जाता, क्योंकि डायलॉग के साथ परफेक्ट आपका एक्सप्रेशन मैच होना चाहिए और दोनों का एक्सप्रेशन मैच होना चाहिए, तो बहुत कुछ होता है गाइस रील में। तो चलो लेट नहीं करते और दिखाती हूँ मैं कैसे करते हैं हम लोग रील शूट। तो गाइज ये देखो अभी जस्ट हमने स्टार्ट ही किया है, 1-2 घंटे तो जाएगा रील शूट करने में, और ये देखो एक रिंग लाइट से हो जाता है रील का काम, और फोन को वर्टिकली रखते हैं और एक फोन साइड में रखते हैं, और देख देख के मतलब साउंड देख देख के हम लोग रील बनाते हैं। ये देखो आप लोग को दिख रहा है कि नहीं पता नहीं अच्छे से, पर देख लो। चिकन मिले, हाँ सबके दोस्तों का दिखा रहे हैं, पर मेरे दोस्त के पास तो वो भी नहीं। सबके दोस्तों का दिखा रहे हैं, पर मेरे दोस्त के पास तो वो भी नहीं। सबके दोस्तों का दिखा रहा रिएक्शन, पर मेरे मेरा ओवर रिएक्शन आ रहा क्या? मैं मेरे को मैं अच्छी नहीं लग रही, तो हंसी हो गया। नहीं क्रॉप कर सकते हैं थोड़ा सा, सही है, मुझे लगा सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इसको ओके कर दे। हाँ मैं सोच रहा हूँ कि अगर तुम हमेशा सही हो और मैं हमेशा गलत हूँ, ठीक है, वो हमेशा होते हो, तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम सही हो तो क्या मैं गलत हूँ? पहले मुझे बोला क्या मैं चीज सोच रहा हूँ, क्या मैं चीज सोच रहा हूँ, हाँ, क्या मैं सोच रहा हूँ कि अगर तुम हमेशा सही हो, ठीक है, और मैं क्या? हमेशा गलत हूँ, ठीक है, वो हमेशा होते हो, वो हमेशा होते, तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम सही हो तो क्या मैं गलत हूँ? मैं सोच रहा हूँ कि अगर तुम हमेशा, चलो 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 स्टार्ट कर देते हैं, उनको बताओ आप पूरी दुनिया, नहीं तुम इधर आओ, कैसे करो, क्या हुआ यार, आप पूरी दुनिया घूम लो, भारतीय पत्नी की तरह संस्कारी पत्नी कहीं नहीं मिलेगी आपको, हमारी पत्नी कभी भी गुस्से में अपने पति को ए गधे ओए गधे सुन गधे नहीं बोलती, शॉर्ट में बोलती है ए जी मतलब अबे गधे, ओ जी मतलब
सुनो जी, मतलब सुन गधे, शॉर्ट में बोलती है, आप पूरी दुनिया घूम। सो गाइस, आप लोगों ने देखा बिहाइंड द सीन्स, और भी हमारा रील शूट कर रहे हैं हम लोग। तो अभी ये देखो, मम्मी रेडी हो रही है और मम्मी जा रही है मार्केट, और डीमार्ट भी जाने वाली है, और बहुत कुछ सामान मम्मी को लाना है। मुझे तो पता नहीं आधी चीजें मम्मी को क्या क्या लाना है, मम्मी को ही पता है। नवरात्रि है ना परसों से, तो कुछ नवरात्रि की पूजा सामग्री लेने जा। तो ठीक है, मम्मी नवरात्रि का पूजा सामग्री लेने जा रही है, और शायद मिठाई विठाई भी लेने जा रही है, जो मैं लेके जाऊंगी ससुराल मम्मी की तरफ से। मम्मी देती है कुछ ना कुछ, तो मैं वो लेके जाऊंगी। अभी मम्मी शूट करेगी इसके बाद, तो चलो मिलते हैं मम्मी के आने के बाद। सो गाइस, हम लोग जाने के लिए भी पैकिंग कर रहे हैं, वो साथ में देख लो आप लोग। थोड़ा बैग खोलना, ये देखो लड्डू यहाँ पे सो रहा है। तो ये देखो गाइस, बहुत सारी पैकिंग है और बहुत सारे गिफ्ट्स है। इसमें एक्चुअली हमारे कपड़े कम और गिफ्ट्स ही ज्यादा है। ये देख लो यहाँ पे कितने सारे गिफ्ट्स है, ये सारे जो अंदर आप लोग को दिख रहे हैं, और ये कार्टून से मैंने गिफ्ट सब निकाल के अंदर डाला है। मतलब बहुत सारे गिफ्ट से और कपड़े ही थोड़े से हैं, और भी मुझे और एक बैग लेना है। इस बार हम लोग एयरपोर्ट में फंसने नहीं चाहिए, है ना? सही बात है, वो मुझे लग रहा है इस बार फिर से फंसेंगे हम लोग वजन के वजह से इतना ज्यादा है ये देखो। सो गाइस, हमारा पैकिंग हो गया है और बहुत रात हो गई है अभी, पर मुझे सुबह उठना है। फिर भी मैंने मेहंदी लगवा लिया, क्योंकि वहाँ पे फेस्टिवल है और वो लोग सब मेहंदी लगाएंगे, और मुझे तो टाइम नहीं मिलेगा उधर जाके लगाने के लिए, इसलिए महिमा ने मुझे यहीं पे लगा दिया है। ये देखो, दोनों हाथ का दिखा देती हूँ, कितना सुंदर मेहंदी लगाया, एकदम बहुत ही खूबसूरत। और अभी मैं दिखाऊंगी कि मम्मी ने डीमार्ट से क्या क्या लाया है नवरात्रि के लिए भी, और मेरे ससुराल वालों के लिए भी क्या क्या मिठाइयां लाया है, क्या क्या लाया है, सब मैं दिखाने वाली हूँ। तो ये देखो, सब पूजा सामग्री है, ज्यादा से ज्यादा तो पूजा सामग्री है, फ्रूट्स है, एंड ये सब है, चुन्नी वुन्नी सब मम्मी लेके आई है। ये देखो, मिट्टी का घड़ा और अगरबत्ती, फिर ये मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, पर ये देख लो सिंहासन, हाँ सिंहासन, और भी मतलब छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं, और 9 दिन की 9 अलग अलग कलर की चुन्नी। बहुत ही सुंदर शॉपिंग किया है देखो मम्मी ने। और यहाँ पे देखो नारियल है, और ये रैंडम सा ब्रेड भी है, बॉटल्स है, और अभी गर्मी है तो जूस भी है, डब्बे है, और मम्मी ने चप्पल भी लाया है देखो अपने लिए, प्रीति के लिए मैं लाई ना, तो सेम टू सेम उसके लिए भी एक लेके कि वो घर पे पहनेगी। और यहाँ पे देखो बहुत सारी मिठाइयां हैं, तो ये सब मैं लेके जाने वाली हूँ मेरे ससुराल, मेरे ननंद के घर पे भी दूंगी, और मेरे ससुराल में भी दूंगी, मतलब मम्मी जी को दूंगी। तो ये देख लो, ये सारे मिठाइयां लेके जाऊंगी। अभी पैक तो मैंने ऑलमोस्ट कर लिया है, बस ये सब डालना बाकी है। तो गाइस, अभी बहुत ज्यादा रात हो गई है, मुझे अभी सोना पड़ेगा, क्योंकि कल सुबह सुबह मुझे उठना है और मेरी फ्लाइट है दोपहर को, सब तैयारी भी करनी है। तो चलो, मैं सुबह आप लोगों से जरूर मिलती हूँ। सो गाइस, गुड मॉर्निंग, अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ एयरपोर्ट। शिवा ऑलरेडी सुबह सुबह चला गया है ऑफिस, और ऑफिस से डायरेक्ट वो आएगा एयरपोर्ट पे। तो देखो, ये मेरा आउटफिट, बहुत धूप है, ये देखो मेरा आउटफिट, कुर्ता सेट मैंने पहन लिया है, जो कि मैं ससुराल में यही पहनती हूँ, और फिर से मैं थोड़ा थोड़ा नई दुल्हन की तरह दिख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके गाइस, तो मुझे लेट हो रहा है, अभी मैं जा रही हूँ, वहाँ पे देखो मम्मी खड़ी है, तो आगे का वीडियो मम्मी बनाएगी। ओके गाइस, तो बाय, मम्मी के चैनल पे मिलती हूँ मैं कुछ दिन बाद। चलो बाय, हैप्पी जर्नी, थैंक यू।